हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। यह है टाटा हैरियर, इसमें कूलेंट लीकेज का प्रॉब्लम है, देख सकते हो। येलो कलर का कुछ दिख रहा है, रेड कलर का, सॉरी, ये देख सकते हो। इनटेक मैनिफोल्ड में से थोड़ा लाइट लीकेज दिख रहा, तो कस्टमर कंप्लेन है कूलेंट कम हो रहा है, देख सकते हो। और बोर्ड के तरफ से आके चैम्बर को रेड कलर दिख रहा है, लीकेज है, ये इनटेक मैनिफोल्ड लीकेज है। इसको कैसा खोलना है आपको आगे वीडियो में बताएंगे, क्या क्या टूल्स लगेगा, कैसा प्रोसेस है इसका खोलने का बताएंगे आपको। देख सकते हो ऐसे तो आप बोर भी पूरा रेड रेड हो गया है, इनटेक सेल्फ मोटर के ऊपर दिख रहा है, तो एक प्रॉब्लम है। अभी देखिए टाइमिंग कैसा मिलाना, कैसा खोलना वो देख सकते हो। अभी इनटेक मैनिफोल्ड खोलना है तो आपको हाई प्रेशर पंप भी खोलना पड़ता, सो हम बिना टाइमिंग का इसको खोल दिए हैं, तो आप भी ऐसा खोल सकते हो, देख सकते हो। कैम में लॉक नहीं किया हूँ मैं, तो क्या करना है बोले तो आप जो टाइमिंग कवर का बोल्ट रहता ना, दो 40 नंबर का स्टार, वो दो बोल्ट को हाई प्रेशर पंप का पुल्ली में लॉक करना है। लॉक करने के बाद वो नट खोल देना है और तीन बोल्ट पीछे से 12 नंबर का खोल के पंप को निकाल देना है, टाइमिंग लगाने का ज़रूरत नहीं है। देख सकते हो मैंने इंटेक मैनिफोल्ड खोला है, इंटेक मैनिफोल्ड खोलना है तो हाई प्रेशर पंप खोलना पड़ता है, ये ध्यान में रखिएगा। आप कभी भी बिना हाई प्रेशर पंप खोले नहीं आएगा, इजी है, इसका टाइमिंग मिलाने का ज़रूरत नहीं है। अगर बेल्ट रिप्लेस कर रहे हो वो टाइम में आपको टाइमिंग मिलाना है। ये देख सकते हो नया, ये ओल्ड वाला है इंटेक मैनिफोल्ड, देख सकते हो लाइन आ गया पूरा रेड आयल कूलेंट लीकेज का, ये नया वाला है। इसमें और एक टोटल बॉडी लग के ही आता है, पूरा कंप्लीट टोटल बॉडी आएगा इंटेक मैनिफोल्ड के साथ, ये नया वाला है, देख सकते हो। पूरा सेंसर भी लग के आया है, सेंसर और पैकिंग पैकिंग भी लग के आया है इसमें, कोई टेंशन नहीं है, आप पूरा कंप्लीट डाल सकते हो। ये ओल्ड वाला है, न्यू वाला